भाई इस कंपनी को पैसे की क्या कमी आ गई, कार बनाने के बाद अब जेट प्लेन के इंजन बनाने पड़ रहे हैं। अगर तुमको ये लगता है ना कि रोल्स रॉयस सिर्फ बेस्ट कार्स बनाते हैं तो गलत होता है। रोल्स रॉयस जेट प्लेन्स के लिए बेस्ट रिफाइंड इंजन भी बनाते हैं। क्या बोला तूने? हाँ, वही प्लेन्स जिनमें बैठ करके तुम दिल्ली से बैंगलोर जाते हो। रोल्स रॉयस ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जेट इंजन बनाना स्टार्ट किया। मगर क्यों? तुमने ये बात सुनी होगी, रोल्स रॉयस केबिन के अंदर अगर तुम बैठते हो तो उनके इंजन की आवाज नहीं आती है। तो इनको बेस्ट इंजन बनाने पहले से ही आते थे और अब उनको इस सेम टेक्नोलॉजी को यूज करके एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना था जिससे वो बिजनेस भी बना पाए। क्या बात, ये बात है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे रोल्स रॉयस को अपनी देश की सेवा भी करनी थी, इसीलिए उन्होंने अपने देश के प्लेन्स के लिए इंजन बनाए। तब से रोल्स रॉयस गाड़ियां भी बनाता है और जेट क्राफ्ट के इंजन भी बनाता है और आज के टाइम पे 1/3 मार्केट होल्ड करता है जेट एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने में। लेकिन एक क्वेश्चन जो कि मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे।